हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका रोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई सामने खड़ी हुई है हमारे सिलेरियो। अब भाई सिलेरियो के ओनर जो है ना वो अपने अभिषेक भाई है। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। तो भाई सबसे पहले तो आपको ना इसका वॉक अराउंड करा देता हूँ आपको सिलेरियो का। आपने भाई सिलेरियो तो बहुत देखी होंगी, सिलेरियो वैगनार और ये जो है ना स्विफ्ट वगैरह बहुत बिकती है। और लेकिन भाई ये थोड़ी यूनिक है, आप सामने से देख सकते हो कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में। तो पैसा तो खूब लगा रखा है अपने अभिषेक भाई ने दबा के, और साइड से देख सकते हो भाई, पीछे से भी देख सकते हो, ओवरऑल लुक तो काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आ रहा है गाड़ी का। मतलब जैसा लोग कहते हैं ना, ये एक मतलब इकोनॉमी क्लास टाइप की गाड़ी हो गई, सस्ती पड़ती है चलने में, लोग इसलिए खरीदते हैं। लेकिन भाई जो शौकिया लोग होते हैं वो भी खरीदते हैं। तो भाई आज है ना इसी सिलेरियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई अभिषेक भाई, पहले तो भाई ये बताओ, क्या मन में आई कि एक सिलेरियो लेते हैं और उसको मॉडिफाई कराते हैं? सिलेरियो पहले तो ना घर पे गाड़ी लेनी थी सीएनजी। अच्छा, जो डेली यूज। अच्छा, ये सीएनजी में है? हाँ जी, देख लो। उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन का तो अभी स्टार्ट हुआ थोड़ा। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको मॉडिफाई कराए हुए? मॉडिफाई कराना तो अभी एक डेढ़ महीने से शुरू किया। अच्छा, एक डेढ़ महीने से शुरू कराया, और क्या क्या करा चुके भाई? कमेलियन रैप हो रखा है और लाइट वगैरह डली हुई है। अच्छा, लाइट वगैरह डला रखे। लाइटिंग में क्या क्या करा रखा भाई, एक बार करना ऑन। तो भाई देख सकते हो नीचे है ना प्रोजेक्टर में जो है ये एलईडी है या एचआईडी है? एलईडी है। तो किस टाइप का सेटअप लगा रखा भाई, क्या क्या है इसमें, एक बार समझा दो जरा। नीचे आईपीएच के प्रोजेक्टर है। अच्छा, 180 वाट की एलईडी है और ऊपर भी 180 वाट है। दोनों 180 वाट है। तो क्या प्राइसिंग पड़ गई थी मेरे को? नीचे की 10,000 और ऊपर की 4,000। बहुत बढ़िया भाई, यार मैं भी सोच रहा हूँ करा लूँ भाई, मैंने अपने लिए रेट पूछा है। और बाकी भाई अलॉयज देखने में जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं, क्या प्रोफाइल है? 14 इंची। 14 इंची हैं? नहीं यार, देखने में तो थोड़े से बड़े से लग रहे हैं। क्या 14 इंची कैसे हैं, एक बार मैं प्रोफाइल देख ही लेता हूँ यार। तो भाई देख सकते हो 165/70R14 वाले टायर्स हैं। ये तो टायर तो वही है ना जो कंपनी से आए थे। इसमें अलॉय लगे हुए हैं, ये 5 स्पोक वाले हैं अपने, देख सकते हो आप। और भाई मेरे को जैसा कि दिख रहा है ना, ये अलॉय में भी आपने कुछ कारिस्तानी करी हुई है क्या, एक बार समझाओ पहले। इसके टेप करा रखी है। टेप करा रखी है। और वैसे थे कैसे? ये सिल्वर कलर के थे। सिल्वर कलर के। ये देखो भाई, मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ, ये इस टाइप के थे। मतलब ये टेप हटा दोगे ना तो ये पूरे सिल्वर थे। अब ये जो दो है ना इसके स्पोक, इन दोनों को कम्बाइन कर दिया गया, बीच में बेसिकली एक टेप लगा दी गई है। तो कहाँ से निकाल के लाते हो भाई आइडियाज? माइंड लगाना पड़ता है कहीं ना कहीं। भाई देखो, यूनिकनेस जब बंदा कोई बनाता है ना गाड़ी में, तभी जाके जो है गाड़ी फेमस होती है। और उसी के साथ भाई, भाई का इंस्टाग्राम जबरदस्त चल रहा है गाड़ी की वजह से। और किस नाम से भाई आपका इंस्टाग्राम? अभिषेक मान के नाम से भाई जाकर आप फॉलो कर सकते हो, आपको इसी गाड़ी की ना जबरदस्त रील्स देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में भाई अभी है ना साइड प्रोफाइल हो गई अपनी, फ्रंट हो गया, पीछे चलते हैं गाड़ी के, पीछे से देखते हैं। अच्छा, ये आपने ये भी कमेलियन में करा दिया? हाँ, तो मैच हो जाएगा। हाँ, प्रॉपर बढ़िया अच्छा लग रहा है भाई कॉम्बिनेशन। साइड से भाई लुक देख लो कितनी किलर आ रही है। तो एक बार पीछे आ जाओ। तो भाई पीछे से लुक्स देख सकते हो आप, क्या मतलब ये सिलेरियो जो है ना भाई, कॉमन गाड़ी इतनी है, मतलब देख देख के हम तो छिकली है, पर ये देखते ही है ना ऐसा लगता है कुछ अलग सी गाड़ी जा रही है ये, मतलब एंट्री सेगमेंट की लगती ही नहीं देखने में। तो ये कौन सा स्पॉइलर लगा रखा है भाई? बैटमैन स्पॉइलर है। क्या कॉस्ट पड़ी थी भाई? कॉस्ट मेरे को पड़ गई थी, बताएंगे नहीं। चलो भाई कुछ अपने जो है रेट खराब हो जाएगा, मार्केट रेट खराब हो जाएगा। वैसे मार्केट रेट क्या चल रहा है, आइडिया ऑडियंस को दे दें अगर? होगा 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार रुपये मान सकते हो भाई आप। और बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ गाड़ी, ये सीएनजी वाली है अपनी, ये देखो। अच्छा, ये तो भाई बूट स्पेस अपना यूटिलाइज कर रखा है पूरा, इसमें वूफर लगा रखा है अपना जो है 325 आ रहे हैं इसका वूफर लगा हुआ है, और बाकी यहाँ पर सीएनजी इंस्टॉल्ड है नीचे। तो माइलेज में तो पूरी मौज हो रही होगी बिल्कुल, और साथ में आगे पीछे से जब लोग देखते हैं तो वो अलग से, मतलब पूरे स्वाद आप ही ले रहे हो भाई। सही बताऊँ तो जो परफेक्ट यूटिलाइजेशन है ना वो करा हुआ है आपने। तो एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं, अंदर देखते हैं भाई और क्या क्या धमाका बचा रखा है आपने। तो भाई जब अंदर बैठते हैं ना ऐसी गाड़ियों के, तो हमें लगता है मारुति की गाड़ियां भाई अंदर से होती हैं, बिल्कुल सिंपल साधारण मारुति 800 टाइप। इसमें बैठते के साथ भाई ये किस टाइप के ग्राफिक्स है भाई, ऐसे क्या है ये? ये ग्राफिक्स है टेप नॉर्मल। अच्छा, टेप ही आती है ऐसी? हाँ जी, टेपिंग हो रखी है बेसिकली। ये हाइड्रो टिप है? नहीं, टेपिंग है। टेपिंग है भाई,
देखना क्या जबरदस्त लुक निकल के आ रही है भाई। मैंने जो आपकी बेसिकली रील देखी थी ना जब, तो यही वाली देखी थी स्टीयरिंग पे आपने जो है, ये जो भी है मेरे को पता नहीं था टेपिंग है। और बाकी भाई गाड़ी की बात कर लेते हैं। देखो मॉडिफिकेशंस तो खैर अपना अपना स्वाद हो गया, लोग कराते हैं अपने हिसाब से भाई, जिस पे पैसा होता है वो तो लगाएगा कहीं ना कहीं। तो भाई गाड़ी की बात करें तो कौन से ईयर की गाड़ी है भैया? 2021 की। अच्छा 21 में आपने जब ये गाड़ी ली थी क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी आपको? 6-10 की। अच्छा जब 6-10 आपने खर्चे भाई, तो आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस आ सकते थे, मतलब जैसे कि एक तो इसी की बड़ी वैन बोल कह लो या छोटी वैन कह लो, वैगनार जो है, मतलब दोनों सेम सी लगती है मेरे को तो गाड़ी, दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं। और बाकी इसी में आपको स्विफ्ट भी मिल जाती इसी रेट में? मिल जाती, मेरे को सीएनजी के लिए चाहिए थी फैमिली के लिए। नहीं सीएनजी तो स्विफ्ट में आ गई ना, कंपनी फिट आप आइए। अच्छा आप आइए, दो साल पहले नहीं थी। बिल्कुल भाई सही बात है। और बाकी ये कौन सा वेरिएंट है? VXI। तो ये एंड्रॉइड आपने कैसे बाहर से लगवा रखा है? बाहर से। इसमें पहले से आया था म्यूजिक सिस्टम? स्टॉक आता था इसमें? नहीं स्टॉक गाड़ी थी बिल्कुल, कुछ नहीं आता था। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता VXI में? देख लो भाई VXI में भी है ना मारुति अपनी कॉस्ट कटिंग, तो भाई कहीं ना कहीं निकाल ही लेता है वो पैसा। और बाकी भाई बात करें माइलेज की, तो माइलेज क्या निकाल के दे रही है भाई? पहले तो पेट्रोल पे बताओ क्या माइलेज दे रही है भाई। मैंने आज तक चेक की नहीं थी ना पेट्रोल पे ना सीएनजी पे। सीएनजी पे तो पता होगा भाई, लमसम आइडिया तो होगा इतने किलोमीटर है कि 200-250 चल जाती है फुल टैंक सिटी में। हाँ सिटी में 200 तो चल जाती है आराम से, 180-200 सिटी में, और हाईवे पे 200-250। बिल्कुल भाई बढ़िया, 200 किलोमीटर निकल जाते हैं। और भाई फुल टैंक कितने में हो जाता है? फुल रेट के ऊपर है अभी, हो रहा है 600 में हो जाता है। अभी रेट बढ़े पड़े हैं भाई अचानक से जो है, मतलब बढ़ के बढ़ा के घटा दिया, सीधा डबल करने के बाद 6 रुपए घटाए हैं, तो वो तो भाई ना इंसाफी हो गई सीएनजी वालों के साथ। और बाकी भाई जैसे कि अभी सीएनजी के और पेट्रोल के रेट है ना लगभग लगभग बराबर आ चुके हैं। बराबर है लेकिन आप चला के देखो, बोलने वाली बात है पेट्रोल में और सीएनजी में। सीएनजी 600 रुपए में पानीपत घुमा देती है, और पेट्रोल में घुमा के दिखाओ 600 रुपए में पानीपत। सही बात है भाई, माइलेज का भी फर्क पड़ता है। लेकिन भाई जैसे कि मारुति अपनी सीएनजी की कॉस्ट करती है ना भाई, वो 1 लाख से 1,20,000 के बीच में करती है। तो आज के टाइम में अगर आप लेते हैं ये 6-10 की जैसे आपको पड़ी, तो आपको 5 लाख की पड़ जाती है VXI। तो वहाँ आप भाई मतलब कंसिडर कर सकते थे एक पेट्रोल गाड़ी लेने का, क्योंकि भाई माइलेज भी मेरे ख्याल से अच्छी है, 20 पार तो दे ही देती होगी हाईवे पे। तो नहीं आज के टाइम में भी मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज भी आपको लेनी होती तो आप सीएनजी की तरफ ही जाते? सीएनजी की तरफ। तो रनिंग ज्यादा यानी कि आपकी? हाँ रनिंग बहुत ज्यादा। कितनी चला चुके भाई? मैं तो 37,000 चला दी भाई। 37,000 चला दी भाई। और ये भाई जो है ना मैं आपको बताता हूँ, 37,667 चल चुकी, और 30 अक्टूबर है ना 30 जनवरी है, 30 जनवरी 2021 की गाड़ी है। तो भाई हिसाब लगा सकते हो खूब दबा के जो है सीएनजी का फायदा उठाया जा रहा है। अभी सुबह भी सोनीपत घूम के आया मैं। अच्छा बढ़िया रनिंग है आपकी मतलब। और बाकी भाई ये स्टिकर लगा रखा नंबरदार, कहाँ के नंबरदार हो? गांव के नंबरदार। बढ़िया भाई बढ़िया। और भाई ऐसी जब गाड़ियां देखते ना सही में दिल खुश हो जाता है। और वैसे छोटी गाड़ी को लोग इतना मॉडिफाई कराना प्रेफर करते नहीं, जब लोगों को पैसा लगाना होता है ना तो वो सोचते हैं। कितना पैसा लगा चुके वैसे आप गाड़ी में? 1.5 लाख लगा चुके हैं। अब भाई कोई भी देखो कॉमन मैन होता है वो क्या करता है, 6 लाख की गाड़ी आपने ली वो क्या करेगा, 1.5 लाख जोड़ के 7.5 में दूसरी गाड़ी उठा लेगा। लेकिन फिर भाई वो अट्रैक्शन नहीं मिल पाता जो इस समय मिल रहा है। अच्छा और क्या क्या करा रखा भाई आपने इसमें? मॉडिफिकेशन की बात करें अगर, मॉडिफिकेशन वाली बात को ही अपना और आगे लेके चलते हैं। म्यूजिक सिस्टम में क्या क्या हो रखा है भाई? एंड्रॉइड स्टूडियो। हाँ आगे कंपोनेंट, पीछे स्पीकर है दो। अच्छा और बेस ट्यून। अच्छा भाई एक बार आउटपुट और सुना दो इसका, आउटपुट जरूर सुनना चाहेंगे हम। और बाकी ये क्या एटमॉस्फेयर लाइट हो गई? एम्बिएंट लाइट, एटमॉस्फेयर नीचे हो गई। एक बार ऑन करना एटमॉस्फेयर वाली। अच्छा ये लाइट से ही कर रखा है आपने सिस्टम इसका? और ये वाली? ये भी जल रही है। जल रही है? नहीं भाई। अच्छा ये जल तो रही है भाई, पर ये इतना पता नहीं लग रहा। अच्छा ये अंधेरे में पता लगेगा। तो भाई की बाकी रात की क्लिप जो है मैं आपकी डाल दूंगा पूरी, आप देख सकते हो यहाँ से पूरी लाइट जो है ना घूमती हुई जा रही है। तो भाई ऑडियो सुन सकते हो आप, क्या जबरदस्त रहने वाला है। करना भाई प्ले।
तो सही में जबरदस्त लाउड भी है और साथ ही में भाई बेस भी एक नंबर का आ रहा है, मतलब पूरी मसाज सी हो गई बॉडी मसाज। पीछे तो और ज्यादा हो जाएगी। कौन सा वूफर लगा रखा है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अब भाई इन्फिनिटी का ही मेरे ख्याल से सारा सेटअप लगा हुआ आपका, ये भी जो है कर रखा है सब इन्फिनिटी का ही चल रहा है। हाँ तो अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए ना तो भाई बहुत अच्छा जो है निकल के आ जाता है आउटपुट। तो भाई सही में बहुत जबरदस्त बना रखे है सेलेरियो आपने भाई, दिल से सैल्यूट है भाई, टाइम निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इसी के साथ है ना अपनी वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। बाकी कैसी लगी आपको ये सैलेरियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँ और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।